नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती आजाद और आप देख रहे हैं खबर तहलका। हरियाणा के भिवानी में 26 अगस्त 1927 को एक बच्चे का जन्म हुआ। यही बच्चा आगे चलकर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। बाद में वो एक बड़े नेता के रूप में जाना गया। उसने अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई। उस नेता का नाम था बंसीलाल। बंसीलाल को एक ऑर्डर मिला था जिसे वो हर कीमत पर पूरा करने पर आमादा थे। बंसीलाल उस दौर के नेता थे जब पूरे देश में कांग्रेस सिस्टम लगा हुआ था। केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। उस वक्त संजय गांधी 5 सूत्री काम लेकर आए, एडल्ट एजुकेशन, दहेज खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन और जाति प्रथा उन्मूलन। इन उद्देश्यों पर जो काम हुआ उसका तरीका बर्बर था। इसमें सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी परिवार नियोजन। इसके लिए नसबंदी का सहारा लिया गया। बंसीलाल ने अपने दोस्त को समझाने की बजाय जी जान से इस प्रोजेक्ट में हाथ बटाया। गांव के गांव में पुलिस घुस जाती और मर्दों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती। बंसीलाल पर इल्जाम लगे कि उन्होंने पुलिस को बकायदा टारगेट दिया था। सच चाहे जो भी हो, बंसीलाल पर इसका इल्जाम तो लग ही गया था। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।